नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब सभी शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी मानव संपदा की वेबसाइट अथवा उसके सहायक ऐप जिसका नाम एम स्थापना ऐप है पर ही ऑनलाइन अवकाश ले सकेंगे। ऑफलाइन अवकाश लेना अब मान्य नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एम स्थापना मोबाइल ऐप पर आप किस प्रकार लीव या अवकाश ले सकते हैं, किस प्रकार अपनी लीव का स्टेटस देख सकते हैं, किस प्रकार अपनी लीव रिक्वेस्ट्स की लिस्ट देख सकते हैं और किस प्रकार अपनी बची हुई लीव का बैलेंस देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसके लिए साथियों, सबसे पहले एम स्थापना ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप मानव संपदा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का तरीका आसान है, इसलिए मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ। ये मैंने गूगल प्ले स्टोर खोल लिया। इस पर आपको टाइप करना है एम स्थापना और सर्च का बटन दबा देना है। यहाँ पर सबसे ऊपर का ऐप जो आपको दिख रहा है उसी को आपको इंस्टॉल करना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यह मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, तो ऐप को आप ओपन पर क्लिक करके खोल सकते हैं या फिर एम स्थापना ऐप के आइकन को क्लिक कर भी आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू टू लॉगिन की स्क्रीन मिलेगी। यदि आप पहली बार ऐप को ओपन कर रहे हैं तो इस स्क्रीन से पहले ऐप आपसे कुछ परमिशन मांग सकता है। आप परमिशन दे देंगे, इस स्क्रीन पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। इसके लिए आप सिलेक्ट डिपार्टमेंट के नीचे ड्रॉप डाउन मेनू को खोलेंगे और उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डेमो डिपार्टमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो आपको डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन को क्लिक करना है। इसके बाद आप अपनी EHRMS यूज़र आईडी फिल करेंगे। तो मैं अपनी EHRMS यूज़र आईडी डालता हूँ और इस वाइट स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आई एम नॉट ए रोबोट। इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई कर रहा है कि आप एक रोबोट नहीं हैं। हो सकता है आपको यह कोई इमेज दिखाए और उसमें कुछ विशेष इमेज सिलेक्ट करने को कहे, तो स्थिति के अनुसार आप वैसा करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना मानव संपदा का पासवर्ड इंटर करना है। ये मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया। अब वाइट स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। साथियों, आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, परंतु इनमें से केवल ऊपर वाला ऑप्शन ही अभी क्रियाशील है, लीव मैनेजमेंट। बाकी सारे ऑप्शन अभी क्रियाशील नहीं हैं। सभी ऑप्शंस के भविष्य में अपडेट होने की पूर्ण संभावना है। यह वीडियो जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि लीव मैनेजमेंट ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको सबसे ऊपर अपना नाम दिखाई पड़ेगा और उसके नीचे आपको अपना पद दिखाई पड़ेगा। उसके नीचे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट और चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस ऑप्शन का प्रयोग आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को सिलेक्ट करने या चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आप सिलेक्ट और चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लेवल सिलेक्ट करेंगे। यदि आप शिक्षक हैं तो आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद ऑफिस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप अपना विकास खंड सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, इसमें आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का नाम और आईडी को खोजेंगे और उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा तो आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन मैसेज आपको मिल रहा है, ऑफिसर नेम हैज़ बीन कंफर्म्ड एज योर रिपोर्टिंग फॉर लीव, प्लीज़ लॉग इन अगेन। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप ऐप से लॉग आउट हो गए हैं, अब आपको फिर से ऐप में लॉग इन करना है, उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ये मैंने ऐप में फिर से लॉग इन कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं लीव मैनेजमेंट ऑप्शन की, इसको क्लिक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लीव के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए अप्लाई फॉर लीव बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आपको लीव का टाइप सिलेक्ट करना है। देखिए इसमें कई प्रकार की लीव्स आपको दिख रही हैं। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। माना कि मुझे कैजुअल लीव लेनी है तो मैं कैजुअल लीव पर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट डेट, यहाँ पर कैलेंडर खुल गया है, यहाँ पर वर्तमान का महीना भी आपको प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ आप सीधे डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको अगले महीनों की कोई डेट सिलेक्ट करनी है तो आप महीने के दाहिनी तरफ एरो को क्लिक करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे वर्तमान महीने की ही डेट सिलेक्ट करनी है तो मैंने 30 सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दिया। अभी हमने वो डेट सिलेक्ट की है जिस डेट से हमें लीव लेनी है। इसके बाद वह डेट सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें लीव लेनी है, तो फिर से हम सिलेक्ट डेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस डेट को क्लिक करेंगे जिस डेट तक हमें लीव लेनी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, किस ग्राउंड पर आप लीव लेना चाहते हैं, चाइल्ड वर्थ, डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फॉर स्टडी, LTC। साथियों LTC का फुल फॉर्म है लीव ट्रैवल कंसेशन। मेडिकल ग्राउंड, विजिट एब्रॉड, तो यहाँ पर मैं घरेलू कार्य से लीव ले रहा हूँ तो मैं डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल पर क्लिक करूँगा। इसके नीचे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन पहले से लिख के रखना होगा और उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा। इसके लिए सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं या लाइब्रेरी से चूज करना चाहते हैं। तो मैं एक फ़ोटो आपको खींच कर दिखाता हूँ। इसके लिए टेक फ़ोटो पर क्लिक करना है और फ़ोटो खींच लेंगे। इसके बाद सही के निशान पर क्लिक करना है। साथियों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको कोई ऐसी लीव लेनी है जहाँ पर आपको कई पेपर्स की फ़ोटो अपलोड करनी है तो आप पहले से सभी पेपर की फ़ोटो खींच कर और उसको एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट करके अपनी गैलरी में सेव कर लें और जब इस ऑप्शन पर आएँ तो गैलरी से उसी PDF को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप सबमिट बटन को प्रेस करेंगे। आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल गया है लीव अप्लाइड सक्सेसफुली और उसका रेफरेंस नंबर भी दिया गया है। इस रेफरेंस नंबर को आप कहीं नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है चेक स्टेटस। इस ऑप्शन की सहायता से लीव एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया जा सकता है। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको लीव रेफरेंस नंबर इंटर करना है जो अभी अभी आपने नोट किया था, तो मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। लास्ट के 6 डिजिट आपको फीड करने हैं और चेक बटन पर क्लिक करना है।
व्हाइट स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका नाम, आपका कोड, रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम, कौन सी लीव आप ले रहे थे, लीव का स्टेटस क्या है, तो ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, लीव कब अप्लाई की गई और लीव का रेफरेंस नंबर क्या है। बैक बटन दबाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू लीव रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपनी लीव रिक्वेस्ट की लिस्ट देख सकते हैं। इसको मैं प्रेस करता हूँ, ये शो कर रहा है यू हैव नो लीव रिक्वेस्ट्स। मोबाइल पर बैक बटन प्रेस करते हैं। सबसे लास्ट का ऑप्शन है चेक लीव बैलेंस। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपनी बची हुई लीव्स की संख्या देख सकते हैं, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। साथियों, यहाँ पर आपकी बची हुई लीव का बैलेंस दिखाई दे रहा है। मोबाइल पर बैक का बटन दबाते हैं। साथियों, अभी इस ऐप में लीव को कैंसिल करने का ऑप्शन और लीव के बाद ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आप मानव संपदा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार से साथियों, हमने इस ऐप की क्रियाविधि को जाना है। विशेष बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अब हमें लॉग आउट पर क्लिक नहीं करना है। यदि हमने लॉग आउट पर क्लिक कर दिया तो फिर से आवश्यकता होने पर इस ऐप में पुनः लॉगिन करना पड़ेगा। आप सिंपली मोबाइल पर बैक का बटन दबाएंगे या फिर आप अपने मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट मेनू में जाकर इस ऐप को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल का फंक्शन कार्य करता हो। साथियों, इस प्रकार से हमने एम स्थापना ऐप का प्रयोग करना सीखा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।